नमस्कार, ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड में आप सभी का स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल दिनांक 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2022 और 23 का बजट पेश किया था। इस बजट पर हम ऊर्जा ग्लोबल के मैनेजमेंट से प्रतिक्रिया लेते हैं। थैंक यू स्मिता, आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी की है, जो आपका बजट इस बार 2022 का जो मैडम ने संसद में पेश किया है, ये बहुत ही अच्छा बजट है। और ये बजट हमें सोचने में और समझने में इनकरेज करता है। इट इनकरेजेस यू टू यूज़ एंड मूव फ्रॉम कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज टू अनकन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। इनफैक्ट इट्स अ नाइस स्विच ओवर फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल टू रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम मूव करते हैं। ये बजट हमें, इसका जो इम्पैक्ट है, ये आई एम क्वाइट श्योर कि इट विल नॉट बी विजिबल इमीडिएटली, लेकिन आफ्टर फ्यू ईयर्स इसका इम्पैक्ट आपको नज़र आएगा। खासकर ये जो हम ईवी में हम जब काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल को जो इनकरेज कर रहा है, ये बजट हमें ईवी में एक नए तरीके से, एक नए सोच की तरफ हमें लेके जाता है। आपने कई चैनल्स में देखा होगा कि बहुत सारे जो एक समस्या निकल के आ रही है वो है रोज़गार की, और इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर यूज, सोलर और भी अदर जो एनर्जी के सोर्सेज को अगर हम यूज़ करते हैं, तो ये हमें एक नए भारत की तरफ लेके जाता है, एक नव निर्माण की तरफ लेके जा रहा है, नए तरीके से हमें सोचने को बाध्य करता है। और ख़ासकर लोगों को जिनको रोज़गार में थोड़े से जो अनसेटिस्फाइड हैं, उनको एक नए रोज़गार का विकल्प प्रदान करता है। इसमें बहुत ही लेवल पे हम काम कर सकते हैं। इट्स अ वेरी फ्लेक्सिबल थिंग कि आप इसको रिसर्च R&D में भी जा सकते हैं। इसके लिए आप छोटे तौर पे, छोटे लागत से आप काम कर सकते हैं। एंड इट इनकरेजेस एनर्जी एंड इनकरेजेस यू टू एंड द यूथ टू थिंक डिफरेंटली। देखो, दिस बजट फ्रॉम ऊर्जा ग्लोबल की तरफ से ये बड़ा ही प्रोत्साहित करने वाला, नव भारत का, नया और आत्मनिर्भर भारत की ओर लेके जाने वाला बजट है। अब हम आपकी मुलाकात चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर SK सिंह जी से कराते हैं। उनसे जानने चाहेंगे कि जो है, ये जो इस बार बजट में बैटरी स्वैपिंग के बारे में बताया गया है, इसके बारे में ऊर्जा ग्लोबल का क्या सोचना है। नमस्कार सर। नमस्कार, सभी सुधी दर्शकों का अभिवादन है। ये बजट भारतीय उद्योग के लिए, भारत के पुनर्निर्माण के लिए बहुत ही सार्थक बजट लग रहा है। ऊर्जा ग्लोबल पिछले 28 साल से बैटरी निर्माण के क्षेत्र में है। मैंने अपने क्षेत्र में, जैसे मैंने अपने को महसूस किया है कि बैटरी इंडस्ट्री में एक ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। पिछले काफ़ी दिनों से बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां भी बैटरी इंडस्ट्री में बंद हो गई, जिसका कि दुष्प्रभाव उद्योग जगत पर निश्चित रूप से आया है। माननीय नितिन गडकरी जी ने पिछले कुछ समय पहले ये निर्देशित किया था, एक आह्वान किया था कि बैटरी रिक्शा बिना बैटरी के बिकना चाहिए। अब उसके सार्थक परिणाम देखने में आ रहे हैं। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के सहयोग से विभिन्न मेट्रो स्टेशन के परिसर में बैटरी ई रिक्शा की चार्जिंग सुविधाएं सहभागिता के माध्यम से उपलब्ध कराई, जो कि बहुत ही अच्छा प्रयास रहा है। आज बैटरी रिक्शा वालों को सुरक्षा की दृष्टि से एक ई रिक्शा की पार्किंग मिल जाती है, साथ में उन्हें चार्जिंग की सहूलियत मिल जाती है। इसी तरह बैटरी स्वैपिंग बिजनेस, आज आप कोई भी व्हीकल लेते हो, आपकी बैटरी कहीं भी रिचार्ज हो जाती है। इसका प्रारूप, इसका बिजनेस मॉडल हमें समझना पड़ेगा, और बिजनेस मॉडल जो कि जन सुलभ हो और जन सुविधाओं के अनुरूप हो, इस पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। अब ये बिल्कुल जैसे गैस सिलेंडर का बिजनेस है, हम इंडेन की गैस ले लेते हैं, तो हम इंडेन की वो सिलेंडर, किसी भी एजेंसी का कोई भी इंडेन गैस हम अपने रेगुलेटर में लगा सकते हैं। यही इस बैटरी के व्यवसाय में आने वाला है कि जो भी इंटरप्रेन्योर इस व्यवसाय में आना चाहता है, वो सीधे अपनी बैटरियों को किसी भी उस क्लब, सपोज दैट एक क्लब बन गया, उस क्लब के माध्यम से उन बैटरी को, अपनी कोई भी बैटरी को, रिचार्ज बैटरी को वहाँ रखे, तत्काल वहाँ पे उस मेंबरशिप के आधार पे अपनी दूसरी बैटरी लेकर अपने ई रिक्शा को आगे चलाए। ये बैटरी स्वैपिंग ई रिक्शा के साथ भी हो सकती है, यही बैटरी स्वैपिंग आपकी ई व्हीकल, ई कार के साथ भी हो सकती है, भविष्य में ये ई स्कूटर के साथ भी आनी है। अब रही बात इससे
रोजगार का सृजन क्या हो सकता है, उद्योग को क्या फायदा मिलेगा। निश्चित रूप से बैटरी में तकनीकी बदलाव बहुत सारे हो रहे हैं, हम धीरे धीरे लिथियम की बैटरी में जा रहे हैं, और क्योंकि इसका जो बेसिक रॉ मटेरियल है कोबाल्ट, ये अभी भारत में उपलब्ध नहीं है, अभी हम इस पर पूरे आयात पर निर्भर हैं। लेकिन लेड एसिड बैटरी के सभी रॉ मटेरियल लगभग भारत के ही हैं, और इसकी वजह से निश्चित रूप से लेड एसिड की जो मार्केट है उसको भी एक नया आयाम हम लोगों को प्राप्त होगा। बीइंग निर्माता, हम लोगों की हमारी जैसी बैटरी निर्माण की हमारी क्षमता है लगभग 70 से 80 हज़ार बैटरी प्रतिमाह की। अब इस बजट के उद्घोषणा के बाद में हम निश्चित रूप से अपने बैटरी उत्पादन को आगे बढ़ाने का हमारा प्रयास है। इस बैटरी उत्पादन को आगे बढ़ाने के प्रयास में निश्चित रूप से निवेश की भी आवश्यकता है। सरकार से ये आशा हमारी है कि जैसे सोलर पैनल में इन्होंने PLI उत्पादन के आधार पर लिंक्ड एक इंसेंटिव की घोषणा करी है, बैटरी उद्योग को भी PLI की घोषणा सरकार को करनी चाहिए।